अनिल देशमुख के जो पीए और पीएस थे दोनों के नाम चार्जशीट में है, चार्जशीट दाखिल कर दी गई है। अनिल देशमुख और उनके बेटे के नाम पर सम्मन निकले हुए हैं। अनिल देशमुख 5-5 सम्मन को डॉज कर चुके हैं। जब भी बुलाया जाता है अनिल देशमुख नहीं जाते हैं। क्यों नहीं जाते हो भैया? कहते हैं कि मैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू अपने बयानात रिकॉर्ड करवाऊंगा। क्यों? क्योंकि इनको डर है कि जैसे ही मैं पहुंचूंगा बयान देने के लिए मेरी गिरफ्तारी हो जाएगी, और एक बार मैं सरकारी घर गया तो मुझे फिर कोई बाहर नहीं निकालेगा, क्योंकि इनके खिलाफ बहुत सारे पुख्ता सबूत हैं, इसलिए इनको कोई बचा नहीं सकता। ये ईडी के पूरी तरीके से शिकंजे में। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि इसे कहते हैं ऊँट का पहाड़ के नीचे आना, और ऊँट के जो ना हिस्से हिस्से पार्ट पार्ट में पहाड़ के नीचे ऊँट आ रहा है। कल रात को जो सीबीआई के खेमे से खबर आई थी वो ये आई थी कि अनिल देशमुख के लीगल टीम से एक व्यक्ति को एयरपोर्ट के बाहर से डिटेन कर दिया गया है, क्योंकि उस व्यक्ति का हाथ सीबीआई में एक लोअर लेवल के स्टाफ को ब्राइव करने में पाया गया, और जो इनिशियल इंक्वायरी थी उसको मैनिपुलेट करने की वो कोशिश करवा रहे थे। और आज सुबह की जो मतलब बिग ब्रेकिंग न्यूज़ थी, ताज़ा खबर थी, वो यही थी कि अल्टीमेटली सीबीआई ने अनिल देशमुख के जो वकील हैं, जो उनका सारा केस लड़ रहे हैं, उसको गिरफ्तार कर लिया है। और उसके साथ साथ जो दूसरा व्यक्ति था गिरफ्तार होने वाला, वो था सीबीआई की स्वयं की टीम का एक सब इंस्पेक्टर। प्रोबेबली वो वही व्यक्ति है जिसको मैनिपुलेट इस वकील के द्वारा किया जा रहा था, जो सारी इनिशियल इन्वेस्टिगेशन है उसको किसी तरीके से कॉम्प्रोमाइज़ करवाने की कोशिश कर रहा था। आप लोगों ने बीच में एक न्यूज़ सुनी होगी जो बहुत ही आग की तरह, जंगली आग की तरह फैल गई थी, जिसमें ये कहा गया था कि सीबीआई ने अपनी इनिशियल जो इन्वेस्टिगेशन है और जो फैक्ट फाइंडिंग्स हैं उसमें अनिल देशमुख को क्लीन चिट दे रखी है, और बोला है कि अनिल देशमुख का इससे कोई लेना देना नहीं है। वही जो थी वो पूरी की पूरी एक फॉल्स रिपोर्ट थी। प्रोबेबली ये एक नैरेटिव बिल्ड किया गया, उस नैरेटिव को फैलाया गया, कांग्रेस पार्टी ने उस नैरेटिव को लगातार फैलाया, और अंदर से ये जो वकील है जिसको गिरफ्तार किया गया है वो ये काम कर रहा था, सेटिंग कर रहा था सब इंस्पेक्टर के साथ सीबीआई के मिल करके। अब उसको दिल्ली लेके आया गया है आज, जे और ट्रांजिट रिमांड के लिए दिल्ली में लेके आए गए हैं, और अब आगे की जो इन्वेस्टिगेशन है वो बहुत खतरनाक होने वाली है सब इंस्पेक्टर और अनिल देशमुख के वकील के लिए। लेकिन अनिल देशमुख के लिए ये बहुत ही बुरी खबर है। अनिल देशमुख ने आज फिर से हाईकोर्ट, जो मुंबई का हाईकोर्ट है, उसको मूव किया है कि वो जो है सीबीआई ने हमारे मेरे खिलाफ जितनी भी केसेस किए हैं उनको हटा दिया जाए, क्योंकि ये पॉलिटिकल वेंडेटा है। अरे किस बात का पॉलिटिकल वेंडेटा रो रहे हैं अनिल देशमुख? मुझे तो समझ में नहीं आता है कौन सा पॉलिटिकल वेंडेटा है भाई। और अगर पॉलिटिकल वेंडेटा है तो फिर इनका वकील क्यों ब्राइब देने की कोशिश कर रहा है एक सब इंस्पेक्टर को सीबीआई के, और क्यों इस पूरी की पूरी जो इनिशियल इन्वेस्टिगेशन है उसको कॉम्प्रोमाइज़ करवाने की कोशिश कर रहा है? यानी कि दाल में कुछ नहीं काला बल्कि दाल पूरी की पूरी काली है। यानी कि अनिल देशमुख के ऊपर जो आरोप है, उनके बेटे के ऊपर भी, कि उन्होंने 100 करोड़ की उगाही करी है, और बाय द वे उस उगाही में से 4.7 करोड़ की जो फाइनेंशियल ट्रेल्स हैं, ट्रांजेक्शन्स हैं, उसकी पूरी जानकारी सीबीआई के हाथ में है। तो पूरी पुख्ता जानकारी है, उसी के बेसिस पर ये केस चल रहा है। और इतने डेस्परेट हैं इस वक्त अनिल देशमुख और महाविनाश वसूली अगाड़ी की सरकार कि ये न कि इन प्रकारण वो जितने भी सबूत हैं, जो भी इम्पॉर्टेंट जो सबूत हैं, जो सारी चीज़ें इनके अगेंस्ट हैं, वो सीबीआई के पास है, उसको बाहर निकलवाना चाहते हैं, और इसीलिए वो कॉम्प्रोमाइज़ करवाना चाह रहे थे। तो मैं महाराष्ट्र में इस तरीके की अफवाहें कौन फैला रहा है कि अनिल देशमुख को क्लीन चिट मिल चुकी है, और जबकि सीबीआई कह रही है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, हम जांच जारी रखे हुए हैं अभी भी, तो केस बंद करने की आफत किसको लग रही है? देखिए, ये तो अनिल देशमुख और महाविनाश वसूली अगाड़ी की वो सरकार है जिसका स्वरूप हम पिछले 1.5 साल से देख चुके हैं। जहां तक अनिल देशमुख व्यक्तिगत तौर पर अगर अनिल देशमुख जी की बात की जाए, एक गृहमंत्री प्रदेश का, और उसका ये स्वरूप कि उन्होंने पूरा गृह मंत्रालय वसूली का अड्डा बना दिया, अखाड़ा बना दिया, और खुद बन गए सरगना वसूली के, और एक एक इल्लीगल काम वहाँ पर हो रहे थे इनके तत्वाधान में। पालघर के संत महाराजाओं का किस्सा आप उठा लो, किसने बोला था, किसने ये बात बाहर आकर के बोली थी? हिंदुस्तान याद कीजिए कि जो संत महाराजा और उनके ड्राइवर को लिंच करके मारा गया वो कुछ गलत नहीं था, वो तो लोगों ने उनको बच्चा चोर समझा था। किसने बोला था? अनिल देशमुख ने। गृहमंत्री बाहर आकर के जूना अखाड़ा के संत महाराजाओं के बारे में बोल रहे हैं कि हमने उनको लोगों ने उनको बच्चा चोर समझा और इसलिए मार दिया लाठी भांज भांज करके। क्या किसी अगर मतलब बच्चा चोर पहली बात तो इन्होंने इतनी बड़ी बात बोली दो संत महाराजाओं और उनके ड्राइवर के लिए, झूठ बात, जैसे इनका बच्चा चुरा करके लेके जा रहे हों, इनको शर्म आनी चाहिए। दूसरी बात, अगर कोई बच्चा चोर भी होता है तो मॉब लिंचिंग होती है, और किसी प्रदेश का गृहमंत्री इस तरीके का गैर जिम्मेदाराना बयान देते हैं उसके बाद,
और उसका सीरीज ऑफ आप इवेंट्स देख लीजिए ना, चाहे मिस्टर अर्णब गोस्वामी का केस हो, चाहे दिशा का केस हो, चाहे सुशांत सिंह राजपूत का केस हो, चाहे एंटीलिया बॉम्ब का केस हो, चाहे मनसुख हिरेन की हत्या का केस हो, चाहे ये 100 करोड़ की उगाही का केस हो, कौन सा सही केस हुआ इनके इनके रहने में? गृह मंत्री के रहते हुए सारे इलीगल काम होते रहे, इंटरनेशनल वहाँ पर काम होते रहे, और ये आके ऐसे बयान देते रहे जो बिल्कुल क्या कहते कानून के विरोध में थे। तो इन्हीं लोगों को आफत आ रखी है ना, जो लोग लगातार गलत काम करवा रहे थे, जो लगातार गलत कार्यों में लिप्त थे। और ज़रूरी बात यह है कि इनके ऊपर कोई छोटा मोटा आरोप नहीं है, 100 करोड़ की उगाही का आरोप है। और वो 100 करोड़ की जो उगाही थी वो किसी ऐसे नहीं हो रही थी कि किसी आप अंडरवर्ल्ड से कर रहे थे, इनसे कर रहे थे, खैर अंडरवर्ल्ड से तो उगाही कैसे करेंगे, इनकी उगाही हो जाएगी। बेचारे वो लोग जो अपने रेस्टोरेंट और बार चला रहे हैं और जो बिज़नेस करना चाहते हैं, दो पैसे कमाना चाहते हैं, उनसे तुमने उगाही करनी शुरू कर दी और उसके बाद उनसे पैसे लेकर के एक और गलत काम किया कि उनको जो तय समय है उससे ज़्यादा उनके रेस्टोरेंट्स और बार चलाने की अनुमति दे दी। यानी कि अगर 1 बजे के बाद या 12 बजे के बाद आप वहाँ पर रात में बार चलाते हो, रेस्टोरेंट चलाते हो, उसके बाद कुछ भी अगर वहाँ गलत होता है तो जिम्मेदारी किसकी है? तो ये सारी चीज़ें अनिल देशमुख करवा रहे थे, MVA की सरकार करवा रही थी, और जब उनकी चोरी पकड़ी गई तो अब वो लिप्त हैं, इन्होंने गलती की है, इन्होंने भ्रष्टाचार किया है, इसीलिए झूठी अफवाहें फैलाई जा रही हैं और केस को बंद करवाने की कोशिश की जा रही है। अगर अनिल देशमुख निर्दोष हैं तो फिर भागते क्यों नज़र आ रहे हैं CBI से, लगातार बसते क्यों नज़र आ रही है महाराष्ट्र सरकार भी? और एक सवाल साथ ही ये भी खड़ा हो रहा है कि अभी जो दामाद को कह रहे हैं कि CBI ने अरेस्ट किया है, वो दामाद को CBI ने कह रही है कि उन्होंने पुष्टि नहीं की कि उन्होंने अरेस्ट किया है, तो दामाद वो है कहाँ? अनिल देशमुख ने गायब कर दिए, सरकार ने गायब कर दिए, कहाँ है वो? देखिए, जहाँ तक दामाद का सवाल है, उनकी कोई पुष्टि वाकई बिल्कुल आप सही कह रहे हैं CBI की तरफ से नहीं आई है, केवल सब इंस्पेक्टर की और वकील की आई है पुष्टि कि इन दो लोगों को गिरफ्तार किया गया है, इन दोनों लोगों को अरेस्ट किया गया है, क्योंकि ये कॉम्प्रोमाइज़ करवाने की कोशिश कर रहे थे पूरे के पूरे मैटर को, अनिल देशमुख के मामले वाला। जहाँ तक ये बोलना कि अनिल देशमुख क्यों भाग रहे हैं, अगर वो निर्दोष हैं, बिल्कुल निर्दोष हैं, तो सही बात है, भागता वही है जिसने गलती की होती है, डरता वही है जिसने चोरी की होती है। जो पाक साफ होता है वो किसी भी इन्वेस्टिगेशन से या किसी भी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी से नहीं डरता है। मैं मानती हूँ कि कई बार हो जाता है आपके ऊपर गलत इल्ज़ाम लग जाते हैं, आपके ऊपर गलत FIR हो जाती हैं, लेकिन उसके बाद आपके खिलाफ सबूत नहीं मिलते, चाहे कोई कितनी भी कोशिश कर ले, आपके खिलाफ चार्जशीट नहीं भरी जाती है। लेकिन इस केस के अंदर अनिल देशमुख के जो PA और PS थे, दोनों के नाम चार्जशीट में है, चार्जशीट दाखिल कर दी गई है। अनिल देशमुख और उनके बेटे के नाम पर सम्मन निकले हुए हैं, अनिल देशमुख 5-5 सम्मन को डॉज कर चुके हैं। जब भी बुलाया जाता है अनिल देशमुख नहीं जाते हैं, क्यों नहीं जाते हो भैया? कहते हैं कि मैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू अपने बयानात रिकॉर्ड करवाऊँगा। क्यों? क्योंकि इनको डर है कि जैसे ही मैं पहुँचूँगा बयान देने के लिए, मेरी गिरफ्तारी हो जाएगी, और एक बार मैं सरकारी घर गया तो मुझे फिर कोई बाहर नहीं निकालेगा, क्योंकि इनके खिलाफ बहुत सारे पुख्ता सबूत हैं, इसलिए इनको कोई बचा नहीं सकता, ये ED के पूरी तरीके से शिकंजे में है। अनिल देशमुख के जो वकील हैं आनंद दागा, जो कि जब वो गृह मंत्री थे तब भी उनके साथ रहते थे, कुछ कानूनी ऐसे दस्तावेज जिन्हें उन्होंने सोशल मीडिया पे और मैसेंजर्स के थ्रू वायरल करा है, जो एक गैरकानूनी काम है, उसके तहत CBI ने अरेस्ट किया है, तो क्या उस पर भी अब ये लोग इस तरीके का विरोध करेंगे और कहेंगे कि कानून की हत्या और कानून का दुरुपयोग कर रहे हैं, क्योंकि बयानियात यही कर रहे हैं कि शासकों का राज चल रहा है? देखिए, जहाँ तक दुरुपयोग, कानून के दुरुपयोग का, संविधान की हत्या का सवाल है, लोकतंत्र की हत्या का सवाल है, तो वो इस वक्त मुख्य तौर पर भारतवर्ष के अंदर 2 प्रदेशों में हो रहा है, एक वेस्ट बंगाल में और दूसरा महाराष्ट्र में। तो महाविनाश वसूली की अगाड़ी की सरकार जो है वो हत्या कर रही है कानून की, लोकतंत्र की और संविधान की, और उसमें बहुत अग्रणी भूमिका निभाई है माननीय आदरणीय सम्माननीय वसूली गैंग के हेड, चोर चोर मौसेरे भाइयों के बड़े भाई अनिल देशमुख ने। अनिल देशमुख ने ये तमाम काम किए हैं, किसके लिए करे हैं ये पूछना अभी बाकी है, ये जानना अभी बाकी है। तो ये कहना कि CBI कोई किसी प्रकार का कोई पॉलिटिकल वेंडेटा चला रही है, कहाँ से चला रही है भाई? आपके PS PA ने आपके खिलाफ गवाही दी है, उन्होंने चीज़ें बाहर निकाली हैं, 2.7 करोड़ की आपकी जो पूरी मनी ट्रेल निकली है, वो मनी ट्रेल वही है जो बार और रेस्टोरेंट ओनर से ली थी सचिन वाजे ने और इनके PS को दी थी, और वो उसने जो है हवाला के माध्यम से वो पैसा उस संस्था में भेजा है जिसके चेयरमैन और ट्रस्टी अनिल देशमुख और उनके बेटे हैं नागपुर के अंदर, और वो पैसा सारे का सारा वहाँ से निकल करके आ रहा है। तो इसमें कौन सा पॉलिटिकल वेंडेटा है, इसमें कौन सा पॉलिटिकल वेंडेटा है? और अगर पॉलिटिकल वेंडेटा है तो अनिल देशमुख एक प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं करते? ये सरकार तो बड़ी बड़ी फेमस है ना प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए, तो ये बाहर निकल करके आकर के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं करते और क्यों नहीं बोलते
कि 4.7 करोड़ का जो ये हम मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं, भाई इसकी सच्चाई ये है, ये तो हमने पैसे कमाए हैं, ये हमारा हार्ड एंड मनी है, आके बोल दो ना। लेकिन वो पैसा उघाई का है, ये बोल नहीं सकते हैं। आप लोगों को ये भी जानकारी होगी कि ईडी ने इनकी बहुत सारी इमूवेबल प्रॉपर्टीज़ जब्त करके रखी हुई हैं, उनको इन्होंने अपने पोजीशन में ले लिया है। मुंबई के फ्लैट्स, उसके अलावा इनकी ज़मीनें, वो सारी की सारी अटैच कर ली हैं। तो क्यों करी हैं भाई, कारण है उसका, इसीलिए तो करिए ना। इनकी इन लोगों की तो जिस तरीके की बेनामी संपत्तियाँ निकल करके आती हैं उसका कोई हिसाब ही नहीं है। और इस समय जो क्या कहते हैं महाविनाश वसूली अगाड़ी, तीन तिकड़ी और झोल झपाटे की सरकार में आप एक एक मंत्री को उठा लो, चाहे एनसीपी से उठा लो, चाहे शिवसेना से उठा लो, चाहे कांग्रेस पार्टी से उठा लो, इनके तो गोरखधंधे निकलते ही आ रहे हैं। और अगर इनकी चोरियाँ पकड़ी जा रही हैं, इनके गलत काम पकड़े जा रहे हैं, तो ये पॉलिटिकल वेंडेटा होना शुरू कर देंगे। लेकिन मैम, अभी जिस तरीके का मतलब बयानबाजी चल रही है, क्या लगता है कि सारा दोष अनिल देशमुख का ही है या और भी बड़े नाम हैं जो इसमें शामिल होंगे? क्योंकि 100 करोड़ का ट्रेल करना कोई मजाक बात तो है नहीं। हाँ, अब ये बहुत बढ़िया प्रश्न आपने पूछा है, इस प्रश्न पर मैं भी कंप्लीटली अग्री करती हूँ। देखिए, ऐसा है, ये 100 करोड़ की उगाही का मामला, ये एंटीलिया के बाहर बॉम्ब धमाके का मामला, मनसुख हिरेन की हत्या का मामला, या ये फेक TRP केस का मामला, ये जो तमाम केसेस हैं, ये किसी एक व्यक्ति, दो व्यक्ति, तीन व्यक्ति से जुड़े हुए नहीं हैं। ये किस्सा परमवीर सिंह, सचिन वाजे, रियाज काजी और अनिल देशमुख पर ख़त्म नहीं होना चाहिए, क्योंकि इनके ओरिजिनल बड़े आका कौन है उनको खोजना बहुत ज़रूरी है, और इसका जो मोटिव है वो समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जो ये बीमारी है ना, ये जो मतलब अराजकता वाली, ये भ्रष्टाचार वाली, ये दम्भी होने वाली, ये फासिज्म की जो बीमारी है, और ये जो बहुत खतरनाक खेल चल रहा है मुंबई के अंदर, उसकी जो ये बीमारी है, इसको जड़ से पहचानना और उसके बाद खोद के निकाल करके बाहर फेंकना बहुत ज़्यादा आवश्यक है।